नमस्ते बच्चों, क्या की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो कितने भी अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं कोई आपको ऐसा कुछ एजुकेशन का, डायरेक्ट एजुकेशन का कोई तरीका नहीं बताने वाला। मैं एक ऐसी चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आप वो प्रश्न उस तरह का पढ़ें आप खुद करें। ये मेरा मतलब रहता है हमेशा हर वीडियो में कि आप खुद कर लें, ना कि कोई रटने का तरीका या कुछ इस तरह का कि आप उसको रट डालें। नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ मेरा ये रहता है कि आप उस चीज को, वो उस तरह के सवालों को करना सीख जाए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो होती है, देखिए पहले हम यहाँ टॉपिक लिख लेते हैं। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, तो ये टॉपिक हो गया। इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो अब ये चीज है, देखिए 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, ये बहुत बड़ा है कि कितने अंकों की आपको लिखनी है। हम शुरू करते हैं 4 अंकों की संख्या। अगर मान लीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है, तो सब कुछ, मैथ की कॉपी जो है जादुई कॉपी होती है, ये ध्यान रखिए। जो मैथ की कॉपी बहुत सोच समझ के बनाई गई है, और उसी मैथ की जो ग्रिड होती है उसमें सारा जो है वो चीज सारा भेद छुपा है मैथ का, तो इस बात को मेरे याद रखिएगा। ये है ग्रिड। अब आपसे कहा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंक है, ये देखिए यहाँ पर 4 है, तो आपको 4 ग्रिड चाहिए। ग्रिड में 4 बॉक्स चाहिए। ये आप काउंट करके अपनी मैथ की कॉपी में रख लीजिए कि आपको 4 बॉक्सेस यूज करने हैं। ठीक, तो ये 4 बॉक्सेस हमने यूज कर लिए हैं, समझना है आपको और खुद करना है, समझ लेना है चीज को, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 4 अंकों की लिखा है तो हमें 4 बॉक्सेस यूज करने हैं। और मैं हमेशा बताती हूँ कि एक बॉक्स एक अंक के लिए होता है, एक बॉक्स एक अंक के लिए होता है। हमें 4 बॉक्स चाहिए ग्रिड के, 4 अंकों की है इसलिए। अब देखते हैं कि सबसे बड़ी पे ध्यान देने वाली बात है, तो हम अंक देखते हैं पहले। अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक है। इसके आगे संख्याएं आ जाती है, तो ये अंक है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा अंक क्या है? 9, 9। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो 4 अंकों के लिए तो हमने 4 ग्रिड ले ली, 4 बॉक्सेस की। अब हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ा अंक हमने ले लिया, सबसे बड़ा अंक हो गया ये। तो और हमने चारों जगह पे सबसे बड़ा अंक लिख दिया, तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, आपको समझना है उस समय आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये चीज चाहिए। थोड़ी आप जब बड़े बनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सब। अभी स्टार्टिंग में बहुत ये चीजें नहीं पता रहती हैं। तो और आपके सामने सवाल है, आपके सामने प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम है कि राइट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट के लिए 4 ग्रिड,
फोर हमें बॉक्सेस चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें ग्रेटेस्ट डिजिट चाहिए, ग्रेटेस्ट डिजिट है 9, तो हमने सब जगह लिख दिया 9। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, सिंपल, एकदम सिंपल है। अब आते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितने, 4 अंकों की, 4 अंकों की। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। अब हमें 4 अंकों की चाहिए, तो हमने 4 ग्रेड लिए, इस ग्रेड का 4 बॉक्सेस हमने ले लिए क्योंकि हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो 4 हमने ये ले लिए। अब सबसे छोटी चाहिए, चलो भाई सबसे छोटा, जैसे 9 9 यहाँ था, हम यहाँ पे 0 0 लिख दे रहे हैं, ये हमने लिख दिया 0 0। लेकिन ये आपको पता है कि 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी कितने भी 0 हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब उसकी वैल्यू नहीं होती तो इस अंक की भी, इस संख्या की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए हमें 1 जो है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आपको एक तरीका और बता दें, एक तरीका ये है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको चाहिए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिख दीजिए, सिंपल, जैसे आपको बताया गया है वैसे, 3 बॉक्सेस का ग्रिड चाहिए, 3 की सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दी, ठीक। हाँ, क्योंकि हमें 4 अंकों की चाहिए, तो हम देखें 4 अंकों की सबसे छोटी लिखने के लिए हम पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी लिखते हैं, क्योंकि इससे बड़ी तो फिर होगी नहीं ना कोई संख्या, इससे बड़ा जैसे हुआ तो वो सबसे छोटा हो जाएगा 4 अंकों में। हम इसमें ऐड करते हैं 1, जब हम इसमें 1 ऐड किए तो 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10, ये सेम चीज आ गई, जो यहाँ था वही यहाँ पे। तो ये तरीका है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए, और ये प्रोसीजर आपका किसी भी, कितने भी अंक की चाहिए हो, सिस्टम यही है कि जितने अंक की चाहिए उतने आप बॉक्सेस लीजिए, उतना ग्रेड लीजिए, ग्रिड में उतने बॉक्सेस लीजिए, सबसे बड़ी कहाँ गई सब जगह 9 भर दीजिए, 4 बॉक्सेस लिए 4 जगह 9 भर दीजिए। और अगर सबसे छोटी लिखने को कहा गया है पर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे छोटी के लिए भी अगर 4 अंकों की कहा गया है तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, उसमें 1 ऐड करिए, आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है। तो ये था इसका तरीका। अब देखिए, जब आपने ये चीज सीख ली तो यहाँ पे ये होता है कि कितना आपको बनाना आना चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 ग्रिड, 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस सबसे बड़ी में सब में 9 रख दिए, सबसे छोटी में इधर से 3 में 0, 1 में 1। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आसानी से बना सकते हैं। मेन यहाँ पर्पस मेरा ये है कि आपको जब क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम आए हल करने को, कोई भी प्रॉब्लम दी जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकें, समझ आप जाएंगे। जैसे जैसे आप अगली क्लास में जाएंगे पीछे की चीजें आपको इतने अच्छे समझ आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि उस समय क्यों नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ऐसा होता है कि उस समय नहीं समझ में आता, बाद में जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे समझ में आ जाता है। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज है, प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा जिस चीज की करेंगे उतना ज्यादा आपको
मजा आएगा, उतना ज्यादा चीजें सरल होती जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखिए कि एजुकेशन जो है, जो भी आप चीज सीख रहे हैं, जो भी चीज आप सीख रहे हैं, वो तब तक आप नहीं सीखे हैं जब तक आपको वो चीज सिखानी ना आए। समझ रहे हैं ना कि आप जो जो चीज आपने सीख ली, वो चीज आप दूसरे को उसी तरह से सिखा दे, तब आपने सीख ली, क्योंकि वही बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना। तो और कोशिश करिए कि अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाइए, घर में छोटे भाई बहन हैं, आप उनको पढ़ाइए, आपसे बड़े आपको पढ़ाएंगे, इस तरह से सब एक दूसरे की मदद करेंगे, तो कम से कम किसी का लॉस नहीं होगा। बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस समय, उनका लॉस नहीं होगा। तो अपने छोटे भाई बहनों को बैठ के पढ़ाइए, आप अपने बड़े भाई बहनों से कहिए कि वो आपको पढ़ाए, उनके पास प्रॉब्लम लेके जाइए, कोई मैथ्स की या किसी भी तरह की जो भी आपकी ओल्ड बुक्स है, उन्हीं की प्रॉब्लम लेके जाइए, क्योंकि ये तय है कि आप उसमें 100% अभी नहीं पारंगत हुए हैं, तो वही प्रॉब्लम आप दोबारा लेके जाइए, या खुद भी अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, खुद देखिए कि आप जो चीजें पढ़ के खत्म कर चुके हैं वो चीजें आपको अभी याद है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस है इसको जारी रखिए, और इसी के साथ आपका आज का वीडियो खत्म करते हैं। जीएम पाठशाला में कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।